दोस्तों, आज की कहानी है पति देव में सासू माँ को हमारे साथ नहीं रहने दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं नहीं रख पाऊंगी मनोज तुम्हारी माँ को, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारी माँ की सेवा तुम अपने भाइयों या बहनों से ही बोलो, देखे उन्हें या तुम्हें समय है तो तुम खुद ही जॉब से छुट्टियां लेकर गांव जाकर देखभाल करो उनकी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो वर्षा, वो जो भी है जैसी भी है मेरी माँ है ना। आखिर भले ही वो हमारे साथ भेदभाव की मुझे घर से निकाल दी, बस इसलिए क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी किया। हाँ, मानता हूँ वर्षा, उन्होंने तुम्हें बहुत सताया है, मैं गवाह भी हूँ। प्रॉपर्टी के बंटवारे मैं भी, हमें कोई हिज्जा नहीं देकर घर से बाहर का रास्ता दिखाया मेरी माँ, क्योंकि उस वक्त वो अपने बेटे और बेटियों के मोह में अंधी थी। अब तो तुम जानती ही हो ना, बड़े भैया भाभी उन्हें छोड़कर बच्चों की पढ़ाई और भाभी की नौकरी को लेकर कोई ध्यान रखने वाला नहीं होने का बहाना कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। बहने भी हिच्चे लेकर ससुरालियों को बहाना बन्ना पल्ले झाड़ लिए। अब हम ही बसे हैं, तुम साओ तुम हैं। कल ही गांव जाकर माँ को ले आता हूँ वर्षा। नहीं मनोज, सोचना भी मत, तुम्हारी माँ बहुत सताई है मुझे। याद करो वो दिन जब मैं प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी माँ ने बाथरूम में जानबूझकर ऑयल गिराया था और मैं फिसल कर गिर गई। और तो और, मैं अपने गर्भ में पल रहे, हरकते कर रहे मासूम को देख भी नहीं सकी। बाहर आने से पहले ही तुम्हारी माँ ने मार डाला मेरे होने वाले बच्चे को। मैं सदमे में कई दिनों तक बिस्तर में पड़ी रही, सेवा के बदले वो मुझे ताने देती रही। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मुझे अक्सर सुनाते रहती थी, तुम मेरी पसंद की लड़की नहीं हो, मेरे बेटे के जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हें मैंने कई बार बताने की कोशिश की पर तुम्हें विश्वास नहीं होता। एक दिन जब मैंने मोबाइल में चुपके से रिकॉर्ड किया तब जाकर माने तुम। और तो और, जब मैं सभी के लिए खाना बनाती थी तब तुम्हारी माँ जान बूझकर मेरे लिए नहीं रखती थी, बसा कर तुम्हारे और सभी के थाल में जबरदस्ती डाल कर खाना बर्बाद कर खत्म कर देती थी। तुम्हें कई बार दिखाई भी थी, मैं और तुम खुद भी नोटिस किए थे मनोज, डस्टबिन में खाना पड़ा रहता। पर
मेरे लिए नहीं बसने देती थी, फिर तुम खुद ही मुझे अपने साथ बैठा कर साथ खाने लगे थे। उसके लिए भी कितना तमाशा की थी मनोज। इतना ही नहीं मनोज, याद करो जब तुम घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे, तब तुम ड्राइंग रूम के रास्ते ऑयल का बर्तन माँ के हाथों में देखा था जो रास्ते पर सिड़क रही थी। फिर तुमने खुद ही आकर मुझसे कहा, फिर जब माँ से कहने गए तब उन्होंने अपना जुर्म कबूला और तुमसे ही कहा था ना, हाँ मैंने जान बूझ कर इसे गिराने की कोशिश की ताकि इससे तुम्हारा वंश नहीं बढ़े, इसे और इसके होने वाले बच्चे को कुछ हो जाए, तब मैं तुम्हारी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कराऊंगी, तब जाकर तुम मुझे माँ से अलग रहने के लिए किराए की घर लेकर आए। नहीं मनोज, मैं नहीं कर सकती सेवा उनकी, और तो और तुमने खुद ही कहा था मनोज, इंसाफ ऊपर वाले पर छोड़ दो वर्षा, सम जब निर्णय करता तब गवाओ की जरूरत नहीं पड़ती। आज ऊपर वाले ने सिक्के उसाला है मनोज, तुम्हारी माँ का बल खत्म हो गया। जिस बेटे बेटियों के मुंह पास में उन्होंने तुम्हारे जैसे बेटे को कुछ नहीं देकर घर से निकाला था और मेरी जान की दुश्मन बनी थी, अब उनके हाथों से सभी रिश्ते निकल चुके हैं। मनोज, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मैं उनके लिए कुछ करूंगी भी नहीं। अब तुम सोच लो क्या करोगे। तुम आंखों के गीले कोरों को साफ करते हुए वर्षा ने कहा। मनोज के मान सपटाल पर सभी दृश्य फिल्मों की तरह दोहराने लगे थे। अपनी माँ के काली करतूतों को याद कर एक बार फिर से मन माँ के प्रति नफरत से भर गया। दिल के सभी बूझे मुरझाए जख्म एक बार फिर से हरे और ताजे हो सूखे थे। ऐसा लग रहा था मन के जख्मों के फोपले पर किसी ने मरहम के बजाय नमक घिस दिया हो। उसने लंबी सांसें घिस कर कहा, सही कह रही हो वर्षा, जब रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तब सहकर भी मन उस ओर नहीं जा पाता है। मैं लगभग भूल चुका था आज वर्षा बाद तुमने माँ के करतूते याद कराया। मेरा मन माँ के प्रति नफरतों से भर चुका है, नहीं लाऊंगा मैं उन्हें यहाँ। माँ है तो छोड़ भी नहीं सकता हूँ, अपना फर्ज तो निभाऊंगा ही। मैं कल ही गांव जाकर उनके लिए एक आया रख देता हूँ जो उनकी देखभाल करे। कहावत है ना, हम जो
रोपेंगे वही काटेंगे, माँ ने भी जैसा बीज बोया वैसा ही फसल उनके नसीब में है। ये उनके बुरे कर्म फल हैं, वर्षा जो सब होते हुए भी वंचित हैं। सुख से कहते हुए मनोज ने लैपटॉप खोल कर कुछ जरूरी काम निपटाने में लग गया। दोस्तों ये कहानी काल्पनिक है, पर कहीं न कहीं रिश्ते की कड़वाहट मन में रह जाने से मन कभी नहीं जुड़ पाता है। फिर कभी वैसे इंसानों से जो शरीर में ताकत रहने पर सिर्फ धौंच जमाए, बहू को सताए, तांडव करे, बेटे बहू को एक होते नहीं देख सके, बहू का खाना पहनना नहीं पसंद करे। कहते हैं ना कि समय एक सा नहीं रहता है। जब राजा दशरथ को स्यार बेटे होने के बाद भी मरते समय एक गिलास पानी नहीं नसीब हुआ किसी बेटे की हाथ से, तो हम आप इंसान ही हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।